एक इक्वेशन मैं आपको इस तरीके से बना के देता हूं। ये बच्चों यहां पे ओरिजिन पे मीट होके जा रही है, यही तो पढ़ाने आए हैं, यही तो आपने नहीं पढ़ा है। ये एक पॉलिनोमियल पी एक्स का ग्राफ है, कह रहे फाइंड द टाइप ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपने देखा ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रही है, तो इसका 1 0 हो गया, 1 0, और 1 0 होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। किसका होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का। यही चीजें पढ़ाने आया हूं मैं, वरना इतना सिंपल है, आप पढ़ो और निकल जाओ। सोचो कह रहे इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं आज आपको, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डबल ट्रिपल इनफाइनाइट होने वाली है। ठीक, तो अब आपने आंसर लगा दिया लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ 1 0, बिकॉज इट मीट्स द एक्स एक्सिस एट 1 ओनली। बट ये आंसर आपका गलत है, ये ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। सर हाउ? ये ग्राफ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन का, बना के देख लीजिएगा, बना के दिखाएंगे, अभी चिंता कोई बात नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वन न्यू चैप्टर इन मैथमेटिक्स, दैट इज पॉलिनोमियल। तो आज का ये लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कुछ बेसिक्स एंड ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पहले हम थोड़ा सा रीकैप करेंगे बच्चों, जो आप थोड़ा बहुत भूल चुके हैं उसको रिवाइज कराएंगे। आई होप आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर नहीं भी पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल इज सिंपली एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट यहाँ पर इसके साथ एक कंडीशन है। अब देखिए मैं क्या आपको समझा रहा हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद, या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं, हूज डिग्री इन ईच टर्म इज सम होल नंबर। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब बनता है जहां पर कोई कांस्टेंट और कोई वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए जैसे 2 एक मैथमेटिकल टर्म तो है बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, x एक मैथमेटिकल टर्म भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, यानी कि जब वो वैल्यू हो जाती है वेरिएबल, क्या हो जाती है? वेरिएबल, और एक कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी वेरिएबल बनता है। जैसे मैं 2 के साथ प्लस x कर लूं, 2 के साथ माइनस x कर लूं, 2 के साथ मल्टीप्लाई x कर लूं, 2 के साथ डिवाइड x कर लूं, तो इस टाइप से ये सारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने लिए हैं, और आपको मैं बता दूं जो मैथमेटिकल टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो सेपरेट होते हैं, जो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, प्लस और माइनस के साइन से, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से टर्म सेपरेट नहीं होता। सपोज कर लिए ये लिखा हुआ है 3xy, तो हाँ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितने टर्म है? ये एक टर्म है। ये ना सोचें आपकी 1 2 3, ये 3 टर्म नहीं है, इट इज ओनली सिंगल टर्म। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 3x2 + 2x, तो दीज आर 2 टर्म्स। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जो वेरिएबल्स से बनता है, वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से बन सकता है, और उसमें कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। जैसे देखिए एक्स वेरिएबल है और 2 कॉन्स्टेंट है। अब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ आप जब जोड़ेंगे, फंडामेंटल ऑपरेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्स अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये पूरा कॉम्बिनेशन वेरिएबल हो गया। 2x मल्टीप्लाई के साथ भी वेरिएबल हो गया, x प्लस 2 वेरिएबल हो गया, x माइनस 2 वेरिएबल हो गया। तो जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ कनेक्ट होता है किसी फंडामेंटल ऑपरेशन से, तब वो क्या बन जाएगा? वेरिएबल बन जाएगा। और वेरिएबल्स को ही हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 हो सकते हैं, टर्म्स सेपरेट होंगे प्लस और माइनस के साइन से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। पॉलिनोमियल किसको बोल सकते हैं? अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है हूज डिग्री इन ईच टर्म। हर टर्म की जो डिग्री है, जो पावर है, वो कोई होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर होना चाहिए, जैसे किसी ने लिखा 2/x, बिल्कुल ये वेरिएबल भी है यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, बिकॉज अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 2x⁻¹। तो इस टर्म की जो डिग्री है वो -1 है, और -1 होल नंबर नहीं है। सर क्या सिर्फ 2 क्या पॉलिनोमियल होगा? ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि 2 के इनटू में 0 लगा लो तो 0 होल नंबर है। तो ये एक, अब कहोगे सर हर कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता नहीं है, आपने कहा कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा।
तो 2 को आप कह रहे हो पॉलिनोमियल है और 2 जबकि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल आपकी बात मानते हैं, बट इट इज एन एग्जेप्शन इन दिस केस। हर जगह पे कोई ना कोई एग्जेप्शन होती है, अदरवाइज वो डेफिनेशन बन नहीं पाती। तो इसको हम पॉलिनोमियल को अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, बट यहां पर 2 एग्जेप्शन है। क्या है वो 2 एग्जेप्शन? वो 2 एग्जेप्शन आती हैं बच्चों, एक आती है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल के केस में और एक आती है जीरो पॉलिनोमियल के केस में। बताता हूं आपको, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ये 2 एग्जेप्शंस हैं। तो बात आज पॉलिनोमियल की चल रही है तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे ये कॉन्स्टेंट हो गया उसके इनटू में मैंने जीरो लगा लिया, तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज नथिंग जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसकी डिग्री जीरो होगी, वो क्या है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अब जैसे ये टर्म रहा, मान लीजिए 3x² + 5x + 3, ये पॉलिनोमियल है, इस टर्म की डिग्री 2 हो गई, इस टर्म की डिग्री 1 हो गई, इस टर्म की डिग्री 0 हो गई, इसलिए मैंने होल नंबर लिखा है। अगर मैं नेचुरल नंबर लिखता तो इस टर्म की डिग्री क्या है, हर टर्म की डिग्री की बात कर रहा हूं, तो इस टर्म की डिग्री 0 है तो फिर वो इसमें फिट नहीं होता। तो एग्जेप्शंस को अलग से पढ़ लेंगे। तो पॉलिनोमियल इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हूज डिग्री या इन विच द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सम होल नंबर। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया, जिसकी डिग्री 0 होगी। अब एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल जीरो को ही बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो को मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 से करो यानी कि 1 से, आंसर फिर भी 0। जीरो को मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 से करो, आंसर फिर भी 0। जीरो की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 से करो, अब आप बोल सकते हो डिग्री 2 है, इसमें बोल सकते हो डिग्री 1 है, इसमें बोल सकते हो डिग्री 0 है, इसमें बोल सकते हो डिग्री 100 है, लेकिन आंसर तो 0 ही आ रहा है सभी का। तो 0 की डिग्री कुछ भी कर दो आंसर 0 आ गया, यानी कि आंसर चेंज नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताओ कौन सी डिग्री चूज करोगे, 0 करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, 100 करोगे? कोई कहेगा नहीं सर 99, कोई कहेगा नहीं सर 1000। इस वजह से जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, जो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, पता नहीं आपने 9th में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, उस डिग्री को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, ये इसका साइन है। तो ये 2 एग्जेप्शंस हैं, एक है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल और एक है जीरो पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इनफाइनाइट। तो ये था पॉलिनोमियल की, बेसिकली पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। अभी जो हमें इसमें पढ़ना है ये मैं क्या करा रहा हूँ, रीकैप करा रहा हूँ। कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं वो देख लीजिए जल्दी से, मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, याद होगा आपने पढ़ा होगा, जिसकी डिग्री होती है 1, और इसकी जनरल फॉर्म यहां पर हम आपको सबकी पढ़ाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ग्राफ में काम आने वाली है। जनरल फॉर्म इसकी होगी बच्चों px = पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x ax + b, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। बी भले ही 0 हो जाए, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? बच्चे सिर्फ इतना बोल देते हैं कि हाँ भाई लीनियर पॉलिनोमियल सर इतना होता है, समझ में आता है, बट a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा जा रहा है ये किसी को नहीं मालूम। सपोज करिए क्या हो जाएगा अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो x वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा ना, ये b बचेगा, सिर्फ px बराबर b बचेगा, और b तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा फिर। तो इस वजह से जो भी हम टर्म ले रहे हैं या जो भी हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं उसमें हाईएस्ट डिग्री जो है यानी कि 1, उसका कोफिशियंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जीरोस क्या होता है उस पर हम बात करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। दूसरा आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जानते हैं आप, और यही हमारा इस चैप्टर में हमें मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री आप जानते हैं क्या होती है, डिग्री 2 होती है। जनरल फॉर्म बता दीजिए जल्दी से, तो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म बोल रहा हूं मैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म का हो, बट स्क्वायर वाला टर्म होना जरूरी है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर a 0 हो गया तो स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा। जैसे अगर कोई सिर्फ x स्क्वायर लिख रहा है तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई इस तरीके से लिख रहा है x² + 3, यानी कि ये वाला टर्म मिसिंग है x वाला, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो a b c की वैल्यू आप फाइंड करना सीख लें। इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको 0x + 0। तो इसमें b की वैल्यू भी 0 है और c की वैल्यू भी 0 है। अब जैसे x² + 3 है हमारा, x² 0x + 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू 3 हो गई। जब तक आप a b c की वैल्यू निकालनी नहीं सीखेंगे तो आगे आप इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में आप एक्सरसाइजेस भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती है 2 और इसकी जनरल फॉर्म होती है इस तरीके की कुछ। जैसे थर्ड क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल,
क्यूबिक पॉलिनोमियल शॉर्ट में लिख देता हूँ, जिसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 3, और जनरल फॉर्म क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला टर्म भी हो, ये टर्म हो, ये टर्म हो, कोई सा हो भी सकता है कोई सा नहीं, बट ए कभी जीरो नहीं बनेगा, बिकॉज ए अगर जीरो बन गया तो ये क्यूब वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और क्यूब अगर खत्म हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहीं से रहेगा या नहीं। तो बात समझ में आ रही है। नंबर 4, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्वार्टिक, जिसकी डिग्री होती है 4, और इसकी जनरल फॉर्म इसी के अकॉर्डिंग आप बना लेंगे, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये थे लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल की, मान लो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 2 पर, तो x की जगह 2 रखवा दो, वैल्यू निकाल लो। तो ये भी आपको क्लियर है किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसका मतलब जीरोज से नहीं है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब देख लीजिए अब आप, ये है रीकैप, ये कराना बहुत जरूरी है क्लास 10th में पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो देखिए जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या बनेगा। एक पॉलिनोमियल था, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, सपोज कर लीजिए एक पॉलिनोमियल था पी एक्स, एंड पी अल्फा इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की जगह मैंने कांस्टेंट वैल्यू पुट कराई अल्फा, ठीक है, अल्फा एक ग्रीक लेटर है, तो उस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई। ये अल्फा 0 नहीं होगा, अल्फा तो कोई 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, अल्फा से कोई मतलब नहीं है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी रियल नंबर। बट जैसे ही हमने एक्स की जगह अल्फा रखवाया, आंसर 0 आने लगा। एग्जांपल दिखाएंगे, देन अल्फा इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम इस अल्फा को उस पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। बात क्लियर हो गई। एग्जांपल लीजिए, जैसे बच्चा लोग एक पॉलिनोमियल है 3x-2, अब इसको हम x की जगह क्या पुट करा रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम x की जगह पुट करा रहे हैं 2/3, देखते हैं क्या होगा। p x की जगह क्या पुट कराया हमने, 2/3, ठीक है, x की जगह 2/3, 3 × 2/3 - 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 - 2 क्या बचेगा, 0, यानी कि इस पॉलिनोमियल में 2/3 रखवाने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो इस 2/3 को इस पॉलिनोमियल का हम 0 बोल सकते हैं। तो 2/3 कोई 0 के इक्वल थोड़ी है, हो भी सकता है, जैसे एक पॉलिनोमियल हम सिर्फ इतना ले रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो x की जगह 0 पुट करा दो, 0 का स्क्वायर प्लस 6 × 0, तो 0 पे 0 बनना, यानी कि 0 इज कॉल्ड 0 ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, बट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बननी चाहिए, हर जो भी वैल्यू आप रखवा रहे हैं तभी आप उसको जीरोज मान सकते हैं। अब एक फैक्ट इस पे ये था, क्या फैक्ट था, यहां पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसके 2 जीरोस होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का 1 जीरोस होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हर कंडीशन में, हर कंडीशन में, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर है सिर्फ, अब सर ये एक्स स्क्वायर तो सिर्फ एक ही वैल्यू पे 0 बन रहा है, एक एक्सेप्शन दिखा रहा हूं मैं आपको, हालांकि एक्सेप्शन नहीं, अभी दिखाऊंगा एक तरीका। सर ये तो 0/0 बन रहा है, इसके अलावा दूसरी वैल्यू तो है नहीं, बट इसकी डिग्री जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 जीरोस होने चाहिए थे, समझ रहे हैं ना बात को, तो 2 ही निकलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, वो मैं अभी आगे दिखाने वाला हूँ आपको। पॉलिनोमियल सिर्फ एक डेफिनेशन ही नहीं है कि बस पढ़ा और निकल लिए आगे, बेसिक में ही बहुत कुछ है, ये नहीं कि पेज नंबर दिस, एक्सरसाइज दिस, क्वेश्चन दिस, इसको पढ़ाई नहीं बोलते बिल्कुल भी। तो पहले मैं आपका बेसिक बनाऊंगा, जब मुझे लगेगा आप पढ़ने लायक हो जाएंगे तभी हम इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो इस बात को नोट करके लिखिएगा भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू, ऐसा करिए ठीक है, डिग्री ऑफ पी एक्स, पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, इक्वल टू नंबर ऑफ इट्स जीरोस। क्यूबिक पॉलिनोमियल के हर हाल में 3 जीरोस होने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए 3 जीरोस होने ही चाहिए, समझ आ रही है बात। क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस आएंगे। तो ये होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब, वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगी। वो वैल्यू जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, बस शर्त ये है पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए उसको पुट कराने पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस का
इस चैप्टर का पहला टॉपिक है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, यहां से क्वेश्चन डेवलप होता है। बट बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं एक इक्वेशन के, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो क्वाड्रेटिक हो। इसके मैं आपको तीन टाइप के ग्राफ बनाकर दिखा सकता हूं, तो बहुत सारे कंफ्यूजन आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल से। इसके शॉर्ट नोट्स जरूर क्लियर करिएगा, आज आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं, ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जो अभी तक आपको नहीं पता है। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आपको मालूम ही है, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये अभी मैंने आपको बताया था रीकैप में, ठीक है, बात हो गई। एक हम लोग ग्राफ क्रिएट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। सपोज कर लीजिए ए मैंने 2 लिया है, बी 3 लिया है, मतलब ए और बी कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो सकते हैं। मैं अभी एक जनरल इक्वेशन यहां पर क्रिएट कर रहा हूं। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां पे 1 पुट कराता हूं तो आंसर आएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, 1 और 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो वो पी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। तो एक्स की वैल्यू मैं इस एक्सिस पे लोकेट करूंगा, तो पी एक्स की वैल्यू कहां लोकेट करूंगा, वाई एक्सिस पे, इसलिए मैं उसको वाई के इक्वल लिख दे रहा हूं, इस वजह से लिख रहा हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो अब देखिए मुझे इसके किससे मतलब है, जीरो से मतलब है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा, कहां पर होगा, कैसे निकालते थे क्लास 9th में, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू क्या बनानी है, जीरो बनानी है, तो इसको पहले से ही जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। और अगर यहां पर माइनस होता, प्लस वाले पाएगी माइनस बी अपॉन ए, और माइनस वाले पाएगी प्लस बी अपॉन ए, ठीक है बात। और दूसरी बात जो आपको नोट करनी है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, या आप इसी के नीचे लिख लीजिए, इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं एक मजे की बात बताता हूं, बच्चों को रटाया जाता है कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करेगा उसका एक जीरो होगा, और एक जीरो होगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर कंफ्यूज करता हूं, ये एक लाइन जा रही है और ये ग्राफ था पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल था पी एक्स। तो मैं आपसे पूछूं ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है, मुझे पॉलिनोमियल का टाइप बताइए। आपने देखा एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट कर रहा है, यानी कि इस वैल्यू पर एक्स की जगह ये पुट कराने पे वाई की वैल्यू जीरो हो रही है, वाई मीन्स पी एक्स, तो ये इसका जीरोज है, बिल्कुल सही है, आपका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही है। तो इसका एक जीरोज हुआ, तो कौन सा ग्राफ है, आपने आंसर लिखा दिया, टिक लगा दिया, लीनियर, बिल्कुल करेक्ट, 100%। अब मैं बताता हूं क्या आपको नहीं पढ़ाया गया। एक इक्वेशन मैं आपको इस तरीके से बना के देता हूं, ये बच्चों यहां पे ओरिजिन पे मीट होके जा रही है, यही तो पढ़ाने आए हैं, यही तो आपने नहीं पढ़ा है। ये एक पॉलिनोमियल पी एक्स का ग्राफ है, कह रहे फाइंड द टाइप ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपने देखा ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रही है, तो इसका 1 0 हो गया, 1 0, और 1 0 होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, किसका होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का। यही चीजें पढ़ाने आया हूं मैं, वरना ये इतना सिंपल है, आप पढ़ो और निकल जाओ, सोचो कह रहे इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं आज आपको, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डबल ट्रिपल इन्फाइनाइट होने वाली है, ठीक। तो अब आपने आंसर लगा दिया लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ 1 0, बिकॉज इट मीट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, बट ये आंसर आपका गलत है, ये ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। सर हाउ, ये ग्राफ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन का, बना के देख लीजिएगा, बना के दिखाएंगे अभी, चिंता की कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 0 पे आंसर क्या आता है, 0, 1 पे 1 का स्क्वायर 1, माइनस वन का भी 1 देख लो, 2 का देखो ये कम बढ़ रहा है, ये एकदम ज्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज स्क्वायर में चल रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, देख रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये इस तरीके से आगे चला जाएगा। बट सर आपने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 जीरोस होंगे, तो वो दोनों जीरो जीरो के इक्वल होंगे, पहला जीरो भी जीरो होगा, यानी कि जीरो कई टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल एंड इक्वल, और एक होते हैं रियल एंड इक्वल, और एक होते हैं इमेजिनरी। तो तीन टाइप के ग्राफ बनते हैं हर पॉलिनोमियल के, लीनियर को छोड़कर, लीनियर इक्वेशन को छोड़कर, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो आपकी क्यूबिक हो, हर टाइप के मैं आपको तीन तीन ग्राफ दिखाने वाला हूं, सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर करने वाला हूं। तो यहां पर भूल के मत लगाना, आप ये मत कहना कि वो ग्राफ जितनी जगह पर कट करेगा उसके उतने ही जीरोज होंगे, ये कभी मत बोलना। ग्राफ का शेप, ये जो शेप बन रहा है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम आपको सब डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, बस हम आपको यहां से दिखाना चाह रहे थे कि जो आप अभी तक सोचे बैठे हैं
वो बिल्कुल गलत है, ये बात प्रूफ हो गई अब इस पॉइंट से, बिकॉज आपने सोचा था लीनियर है बिकॉज ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखो लीनियर पॉलिनोमियल और का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और एक जीरो है तो एक जगह पे कट करेगा, वो ठीक है, ठीक है, उसका इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि जो ग्राफ एक जगह पे कट करेगा वो लीनियर ही होगा, ये बात गलत है। लीनियर वही होगा जिसकी लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन कहीं से भी पास होके जा सकती है, ऐसे हो गई पास हो गए। तो ये पी एक्स था, पी एक्स किस फॉर्म का होगा, ए एक्स प्लस बी का। अगर ए एक्स प्लस बी का है तो ये आंसर क्या होगा, माइनस का बी अपोन ए, तो माइनस बी अपोन ए इसका जीरो होगा। और अगर ये पी एक्स इस टाइप का है बच्चों, किस टाइप का सर, ये है अगर ए एक्स माइनस बी टाइप का, तो इसका जीरो क्या आएगा, इसको जीरो के इक्वल कराओगे तो प्लस बी अपोन ए, वो यहां कहीं आएगा, उसकी लाइन ऐसी बन जाएगी। तो मैंने दोनों लाइनें एक ही ग्राफ में दिखा रहा हूं, तो ये हो गया प्लस बी अपोन ए, कैसे भी आ सकता है ना, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा और वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करेगा, वाई एक्सिस को भी एक ही जगह पे कट करेगा। वो बोल दे कि सर अगर ग्राफ पी वाई की फॉर्म में, तो वाई की फॉर्म में वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा ना। जैसे आंसर आया मान लीजिए वाई बराबर, एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, मान लीजिए टू वाई बराबर थ्री एक्स प्लस टू, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, y की वैल्यू हो रही है 3x प्लस 2 अपॉन 2, x की वैल्यू पुट कराते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ। अब इसको उल्टा कन्वर्ट कर दो, उल्टा कैसे कन्वर्ट करें सर, 2y इस 2 को इधर माइनस में ले आओ और इस 3 को डिवाइड भेज दो, तो x की वैल्यू हो गई। तो y को भी ये एक ही जगह पे कट करेगा y एक्सिस को। तो चाहे पॉलिनोमियल x की फॉर्म में हो चाहे वो पॉलिनोमियल y की फॉर्म में हो, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर वो x की फॉर्म में होगा तो x एक्सिस को एक जगह कट करेगा, y की फॉर्म में होगा तो y एक्सिस को एक जगह पर कट करेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखना है। तो ये ग्राफ हो गया आपके लीनियर पॉलिनोमियल का। अब आती है मेन बात, मैं तीन टाइप का आपको यहां ग्राफ दिखाने वाला हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन टाइप के ग्राफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब इसका शेप सुन लो, सबसे पहले इसका शेप होगा पैराबोलिक, बस इतनी बात याद रखो। ऐसा नहीं है कि इसका एक जीरोस भी हो सकता। पैराबोलिक शेप क्या होता है सर, ये जैसे वो होता है ना आधा एलिप्स, एलिप्टिकल समझते हो, एलिप्टिकल जैसे अंडा होता है, अंडे का आधा आधा पार्ट ले लो तो कुछ इस टाइप का बनेगा। अब ये ओपन ऐसे भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी ओपन हो सकता है, इस साइड में भी ओपन हो सकता है, ऐसे भी ओपन हो सकता है। चार टाइप के पैराबोला होते हैं, इसको बोलते हैं पैराबोला। क्लास 11 की मैथमेटिक्स में पूरा चैप्टर है ये पैराबोला, तो इसमें बहुत डिटेल में आईआईटी और मेंस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत सारी इसकी इक्वेशन होती हैं, इतना कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। बट अभी हम 10th के एस्पेक्ट से इसको पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होगा, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं यहां से, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2, ठीक है बच्चों, हो गई सही बात, हो गई, हाँ सर बिल्कुल सही बात हो गई। इसके लिए एक y के इक्वल मान लें इसको, इसके लिए एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरा एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं, ग्राफ से रिलेटेड आप एक एक चीज समझ जाओगे, आपके JEE मेंस तक का लेवल बन जाएगा जब आपको 11th में ग्राफ पढ़ाए जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी कंप्लीट होगी। ये y ले लेते हैं, ये x ले लेते हैं, ठीक है, जीरोस मुझे मालूम है इसके क्या लिए हैं, वो आप उसकी चिंता मत करिए, मैं दिखाता हूं। देखिए मैंने क्या किया, इसमें x की वैल्यू बच्चों ले ली मैंने, क्या किया x की वैल्यू, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं माइनस 3 से, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 जा माइनस 9, ऑब्वियस ही बात है प्लस का 2, तो माइनस 3 पे 2 आ रही है वैल्यू, ठीक है सर। उसके बाद वैल्यू ले ली मैंने माइनस 2 पे, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 जा माइनस 6 और प्लस का 2, यहां पर आ रही है 0, सही है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा एक और निकाल लो, माइनस 4 पे भी निकाल लो, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 जा माइनस का 12 प्लस का 2, तो 16 और 2 होता है 18, 18 में से 12 गई तो कितने बचे, 6 बचे। उसके बाद माइनस 1 पे ले लो, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 की माइनस 1 से कराओगे माइनस का 3 और प्लस का 2, तो 2 और 1 3 और 3 देखो बन गए 2 जीरोस, तो माइनस 2 और माइनस 1 इसके जीरो से, बिकॉज दिख रहे दोनों पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, तो ये दो अलग अलग जीरोस आ रहे हैं, यानी कि ये नॉर्मल वाला ग्राफ है जो x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा,
एक जब वैल्यू x की माइनस टू होगी तब जीरो बनेगा और एक माइनस वन होगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हर जगह दो ही आने चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक माना जाएगा। नहीं बेटा, एक पे भी आएगा और एक ऐसा आएगा जो ग्राफ ही नहीं बना पाओगे, लेकिन शेप पैराबोलिक रहेगा। आप देखते जाओ जादू। ऐसा करो, इसको जीरो कर दो, ये जीरो टू, ऐसा करो वन कर दो, तो वन थ्री वन जा थ्री और टू, तो वन और थ्री कितना हो गया फोर और टू सिक्स हो गया। हाँ सर ठीक है ठीक है, थ्री वन जा थ्री सही है ना, तीन दो पाँच और एक छः। अच्छा ऐसा करो टू कर दो, कर दें टू कर दें, ठीक है टू कर देते हैं। तो टू का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, दो का स्क्वायर हो गया चार, थ्री टू जा सिक्स प्लस टू, तो छः चार दस और दो बारह हो गया, इतना काफ़ी है। चलो ठीक है, दिखाएं कैसे इसको, छोटा सा ग्राफ है हमारे पास, चलो दिखाते हैं दिखाते हैं भाई दिखाते हैं। माइनस चार जब x की वैल्यू है तो y का आंसर छः है, एक दो तीन चार, माइनस चार तो माइनस चार पे y का आंसर है छः, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है ऐसे करके मान लो। अभी मैंने थोड़ा सा रफली शेप ले रहा हूँ। माइनस थ्री पे टू आंसर है, तो ये रहा माइनस थ्री पे टू आंसर है, माइनस टू पे जीरो आंसर है, माइनस वन पर जीरो आंसर है, माइनस टू पर जीरो आंसर है और माइनस वन पर भी जीरो आंसर है। हाँ ठीक है ओके, तो बीच में यहाँ पर कुछ एक और नंबर आएगा अगर मैं x की वैल्यू माइनस में और ले जाता, कोई बात नहीं। उसके आगे चलो भाई, जैसे ही मैंने x की वैल्यू ज़ीरो किया, ठीक है ना, हाँ x की वैल्यू ज़ीरो करी तो y की वैल्यू टू आने लगी, x की वैल्यू ज़ीरो y की वैल्यू टू, यानी कि ये रहा। उसके बाद x की वैल्यू वन है, y की वैल्यू सिक्स है, x की वैल्यू वन है, y की वैल्यू सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आने लगा। और x की वैल्यू जैसे 2 हुई तो y की वैल्यू 12 हो गई। अब 12 कहाँ लेके जाऊँ, मान लो यहाँ आ गया, इसको फ्री हैंड से मिलाओ ज़रा, तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे ये जो मिलेगा ये वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है वो सब हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, इस पर बात होगी बाद में। तो ये एक रफली हैंड से अगर मैं शेप बनाऊं तो ये शेप आप देख रहे हैं कौन सा शेप बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, दोनों ही नंबर रियल हैं बट ये आपस में इक्वल नहीं है। तो रियल एंड, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये रियल और क्या कहलाते हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स या डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स या जीरोज, रूट्स को जीरोज भी बोलते हैं। तो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल, तो वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करता है। फिर ये इस वाले में, यानी कि ये नॉर्मल ग्राफ है जो सबको पढ़ाया जाता है, अगर इसको मैं ऐसे बना दूं तो ये ऐसे बन जाएगा ना, ऊपर को ऐसे करके जाएगा, तो देख रहे हैं पैराबोलिक शेप बन रहा है। तो ये वो नॉर्मल ग्राफ है जो आप समझते हैं कि सारे ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, नहीं सारे ग्राफ ऐसे नहीं बनेंगे। एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है तो हाँ भाई इसके दो जीरोस हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये था नॉर्मल ग्राफ, शेप कैसा आया पैराबोलिक, जीरोस कितने थे दो, कितनी जगह पर कट किया दो जगह पर। क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की नहीं हो सकती है बेटा, टाइप टू पढ़ा रहा हूं ध्यान देना, ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा गारंटीड। क्या सर क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चा देखो मैं आपको एक बात दिखाऊं, वैसे तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ओपन करके देखो, इसके इक्वल माना था वाई के इक्वल माना था, एक टेबल क्रिएट करें, चलिए करते हैं एक्स और वाई। तो ऐसा करते हैं माइनस टू ले लेते हैं, माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन आया माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस वन ले लेते हैं, माइनस वन और प्लस वन जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो जीरो प्लस वन वन, वन का स्क्वायर वन, वन वन और वन टू, टू का स्क्वायर फोर। तो इधर एक नंबर और बढ़ा लो, माइनस थ्री और कर लो, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू का स्क्वायर फोर, इधर प्लस टू कर लो, दो और एक तीन, तीन का स्क्वायर नौ, समझ में आ रही है बात। अब इस पे तो एक ही वैल्यू ऐसी है x की माइनस वन, उस पर जीरो बन रहा है, तो इस पे तो सिर्फ x को एक ही जगह कट करेगा, बट इक्वेशन कैसी थी क्वाड्रेटिक। तो तुम क्या कहोगे, तुम तो कहोगे सर ये लीनियर है। तो बेटा याद रखना, जरूरी नहीं है कि जितनी जगह पे वो कट कर रही है उतने ही जीरो हो, ये आपको गलत पढ़ाई गई है, या गलत पढ़ाई गई है बात, या मैं ये कहूं आधी बात पढ़ाई गई है, आधी पढ़ाई गई है।
जिसने पढ़ाई उसको खुद नहीं मालूम। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू -3, 1, 2, 3 -3। ध्यान से सुन लो, मजा आएगा इसमें, नई चीजें जानने को मिलेंगी। इस लेवल पे आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, इतना इंटरेस्ट नहीं लेता ना कोई जो आपको ये ग्राफ के बारे में इतना टाइम खराब करेगा, उसको करना है अपना सिलेबस कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे सिलेबस नहीं है, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये लर्निंग हो रही है, टोटल लर्निंग। वाई बराबर 4 आ रहा है, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 4, 1, 2, 3, 4। चलो यहां पर हो गया -2 पर 1, -2 पर 1, -1 पर 0, चलो सही है, 0 पर 1, 0 पर 1, यानी कि यहां से मुड़ गया, ये मुड़ गया, यहीं से मुड़ जाएगा, अभी ऊपर को जा रहा है ग्राफ, कहते नहीं मुड़ गया, वो टर्निंग पॉइंट, उसी को वर्टेक्स बोलते हैं। 1 पे 4, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्लास 11th में पढ़ेंगे, चिंता ही कोई बात नहीं है। 1, 2, 3, 4, 1 पे 4 हो गया। 2 पर 9, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 9 कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी जाके मान लो। अब इसको रफ हैंड से बनाओ जरा, अगर इसको इधर बनाऊं तो कंप्लीट कर लो। एक्स को एक जगह पे कट कर रहा है, अगर आपसे पूछा जाता, आपको शेप के बारे में तो कुछ पढ़ाया नहीं गया ना, आपसे पूछा जाता बताओ भाई कितने जीरोज हैं इसके, हाँ बिल्कुल एक जीरोज है, नो प्रॉब्लम, एक जीरोज है बेटा, नो प्रॉब्लम। बताओ पॉलिनोमियल कौन सा है, तुम्हारा आंसर क्या होता है, एक जीरो तो लीनियर पॉलिनोमियल का होता है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। गलत, खत्म, कट गया आपका क्वेश्चन, नहीं होगा लीनियर पॉलिनोमियल, आपको सामने मैंने लिया था, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सर इसका जीरोज वन है, हाँ एक जीरोज हो सकता है। देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x प्लस वन इंटू x प्लस वन, दो बार लिख सकते हैं, और इसको किसके इक्वल पुट करें, जीरो के। तो एक बार ये वाला x प्लस वन इक्वल टू जीरो आ सकता है, और ये वाला x प्लस वन इक्वल टू जीरो आ सकता है। सर ये कैसे लिख रहे हैं आप दोनों को अलग अलग, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया ना, दो फैक्टर हो गए, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया x प्लस वन, x प्लस वन। बात को समझना, दो नंबर मल्टीप्लाई में जीरो कब होते हैं, जब उनमें से या तो ये जीरो रहा होगा या जीरो रहा होगा। अब हमें तो मालूम नहीं, तो मैंने इसको भी जीरो के इक्वल करा, इसको भी जीरो के इक्वल करा, तो यहां से x की वैल्यू माइनस वन आई और यहां से भी माइनस वन आई। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रियल, क्योंकि असली वैल्यू है, एंड इक्वल जीरोस, यानी कि ये ग्राफ में एक जीरो आ रहा है भली, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस टाइप की है जिसके जीरोस रियल एंड इक्वल होते हैं। रियल एंड इक्वल मतलब है दो, बट दोनों माइनस वन ही है, आपके सामने लिया है भाई मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया टाइप टू। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि शेप कौन सा है, जीरो तो एक है, मान लो ये है, इसमें भी एक जीरो है, लेकिन लाइन स्ट्रेट है, आपको पढ़ाया था एक जीरो होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, बट वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, इसको गलती से मत कह देना लीनियर पॉलिनोमियल है। शेप आपने देखा कैसा ऐसे ओपन हो रहा है, यानी कि पैराबोला है, भले ही आप ये देख के बता सकते हो ये ऐसा पैराबोला है, यानी कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस कैसे रहे होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर ऐसे करके जा रही है तो ये वो ऐसा पैराबोला है या ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस कैसे रहे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अब तीसरा टाइप सुन लो, तो भाई एक जीरोस वाली बात मैंने बता दी, एक जीरोस वाला कौन सा हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। अच्छा आप लगे हाथों, हाथ के हाथ ये वाला बता दूं, देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, इसमें भी तो एक ही जीरोस है, जीरो पे जीरो बन रहा है, -1 पे 1, +1 पे 1, -2 पे 4, +2 पे 4, -3 पे 9, +3 पे 9। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है जो कि है एक्स स्क्वायर, बट जीरो एक ही है, वो जीरो कौन सा जीरो कहलाएगा, रियल एंड इक्वल वाली टाइप है। तीसरी इक्वेशन बड़ी मजे की है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लो, किसी नंबर का स्क्वायर कैसा आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर, ये मैंने आपको जब समझाया था इमेजिनरी नंबर तब बताया था, किसी नंबर का स्क्वायर होगा कैसा आएगा, वो पॉजिटिव, किसी नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड कर रहे हो आप, आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, जो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि इस इक्वेशन का कोई जीरोस होगा ही नहीं, यानी कि इसका ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, नो जीरोस, इसी को बोलते हैं नो जीरोस, लेकिन वो हमें लिखना चाहिए नो रियल जीरोस, इमेजिनरी जीरोस तो हैं इसके। अब किस लेवल पे बात हो रही है, मैं क्लास 10 में ग्राफ में ही आपको इमेजिनरी नंबर का यूज बता रहा हूं। अगर हम एक्स की वैल्यू कर दें अंडर रूट -1 और इसका स्क्वायर करें तो आंसर आएगा -1 + 1, 0 हो गया, बट अंडर रूट -1 को ग्राफ पे कैसे दिखाओगे, उसके लिए दूसरा ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को बोलते थे कार्टेशियन प्लेन, जो दूसरा ग्राफ बनेगा उसको बोलते हैं एरगंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। या फिर मैं ले लूं -√-1, तो इसका स्क्वायर भी क्या बनेगा -1 + 1। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज हैं,
बट दोनों इमेजिनरी। अंडर रूट माइनस वन को क्या बोलते हैं? आई। और ये क्या हो जाएगा? माइनस आई। तो इसके दो जीरोज हैं, एक आई और एक माइनस आई। समझ गए बात को? बट ये दोनों रूट्स जो है वो इमेजिनरी है, तो इसके रियल ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। बट इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने टाइप के ग्राफ हुए? तीन टाइप के। शेप कैसा है? पैराबोला। एक रियल एंड इक्वल रूट्स और एक रियल एंड इक्वल रूट्स। पर शेप याद रखना पैराबोला। आपके में दो ही आएंगे, एक रियल एंड इक्वल रूट्स और एक रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब बात करते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन की। आई होप आपको ये बात बच्चों बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, क्यूबिक इक्वेशन बोल लो या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल लो, यार कुछ भी बोल लो, ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो मैं बोलता हूं एस टाइप। एक एस बनता हुआ दिखाई देगा, पक्की बात है। कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, एस टाइप बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन ही है। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो सर तीन रूट्स होंगे? बिल्कुल तीन रूट्स, यानी कि हमने पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल वाला लिया है जो आपको रटाया गया है कि भाई क्यूबिक इक्वेशन तभी मानना जब वो एक्स एक्सिस को तीन जगह कट करता हो। बेटा दो जगह भी कर सकता है, बेटा एक जगह भी कर सकता है, वही रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है बात। तो ये इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाने के लिए कार्टेशियन प्लेन बना रखा है। चलो इसकी इक्वेशन बनाएं, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। एक्स वाई, चलो गेम खेलेंगे। तो एक्स की वैल्यू अपन रखेंगे माइनस टू से स्टार्ट करते हैं, माइनस टू का क्यूब माइनस एट, और फोर की जब मल्टीप्लाई आप करोगे, वाह जीरो बन गया। माइनस फोर की मल्टीप्लाई माइनस टू से करोगे प्लस एट, जीरो हो जाएगा, पहले पे बन गया, सही है। चलो भाई बहुत बढ़िया, माइनस थ्री ले लो। चलो एक बार माइनस थ्री का क्यूब माइनस का 27, माइनस फोर की माइनस थ्री से कराओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, फोर थ्री 12, तो माइनस का 27 प्लस का 12 कितना बचेगा? अरे बाप रे, माइनस का 15 बचेगा। चलो कोई बात नहीं है, माइनस टू हो गया, माइनस थ्री हो गया, माइनस वन ले लो। अब माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस फोर की मल्टीप्लाई माइनस वन से कराओगे प्लस फोर हो जाएगा, फोर में से बन जाएगा थ्री आएगा। अब जीरो ले लो, जीरो पे जीरो ही बनेगा बच्चों ये। अब प्लस वन ले लो, वन का क्यूब वन, माइनस फोर वन जा, तो ये आएगा वन पे माइनस थ्री। अब टू ले लो बच्चों, टू का क्यूब एट, और माइनस फोर की टू से कराओगे एट, अब आएगा जीरो। अब एक प्लस थ्री ले लो, थ्री का क्यूब 27, माइनस फोर थ्री जा 12, सॉरी फोर थ्री जा 12 हो गया, तो 27 में से 12 का प्लस का 15 आ रहा है। अब देखते हैं एस टाइप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो माइनस दो जब मैंने एक्स लिया तो वाई की वैल्यू जीरो आ रही है, पहला जीरो। एक्स माइनस तीन लिया तो वाई की वैल्यू माइनस 15 आ रही है। एक्स लिया माइनस तीन तो वाई की वैल्यू माइनस 15 कहाँ मिलेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो बहुत नीचे यहाँ कहीं मिल रही है, मुझे नहीं मालूम, यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक शॉर्ट एक रफ ग्राफ ही तो बनाना है। एक्स की वैल्यू माइनस वन पे प्लस थ्री आ रहा है, थ्री एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो वाई की वैल्यू थ्री है, यानी कि ये पॉइंट रहेगा। जीरो पे आ रहा है जीरो, यानी कि ये पॉइंट रहेगा। अब इसका थोड़ा सा एक मैं रफली स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ इस तरीके से, जीरो पे जीरो आ गया, वन पे माइनस थ्री आ गया, एक्स की वैल्यू जैसे ही वन हुई, वन पे माइनस थ्री यानी कि यहाँ आ गया, देख रहे हो मुड़ रहा है यहाँ से। टू पे जीरो आ गया, जैसे ही एक्स की वैल्यू टू हुई तो वाई की वैल्यू जीरो हो गई, एक्स की वैल्यू टू तो वाई की वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि वापस से यहाँ मुड़ गया होगा ये। एक्स की वैल्यू टू हुई तो वाई की वैल्यू जीरो हो गई, थ्री पे 15 हो गई, तो थ्री पर 15 कहाँ मिलेगा? यहाँ कहीं मिलेगा, तो ऐसा बन गया। देखो जाके माइनस थ्री पे माइनस 15 था, प्लस थ्री पे प्लस 15 हो गया। कैसा बना शेप ये? ऐसा बन रहा है ना शेप, किस टाइप है? एस टाइप शेप बन रहा है ये। तो ये नॉर्मल वाला है, देख लो क्यूबिक इक्वेशन है, तीन जगह पे कट कर रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है, ये आपने सबने और हम लोगों ने रटा हुआ है भाई। तीन जगह पे कट करेगा, तीन जीरो होंगे, तो ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट अब दिखाते हैं हम आपको जादू, ये टाइप वन था, और कैसा हो सकता है? शेप ऐसे ही रहेगा, और हो सकता है ऐसा, देखो सेकेंड टाइप, एक पॉलिनोमियल हम बनाते हैं एक्स, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो क्यूबिक ही तो बन जाएगा। देख लो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, अगर मैं इसके एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर खोलूंगा और एक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। बट मैं इसको अभी इस टाइप का इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो जरा इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा।
एक टेबल बना लेते हैं जिससे हम वैल्यूज ले सकें एक्स और वाई। देखिए एक्स की वैल्यू जीरो करने पर वाई की वैल्यू भी जीरो आ रही है, एक्स की वैल्यू वन करने पर ये माइनस वन कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन, माइनस माइनस वन और माइनस टू हो गया माइनस थ्री, और माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन, नाइन वन जा तो माइनस वन पे माइनस नाइन आ रहा है। ठीक है अच्छा माइनस वन ठीक है, अब ऐसा करो प्लस वन ले लो तो वन, वन में से टू गया माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर वन, बिल्कुल सही है। अब एक काम करो टू ले लो, टू में से टू गया जीरो तो ये तो जीरो बन रही है। अब एक काम करो थ्री ले लो, थ्री थ्री माइनस टू बचा वन, वन का स्क्वायर वन तो थ्री पे थ्री आ रहा है। अब देखो इसका जनरल ग्राफ क्रिएट करते हैं, जीरो पर जीरो, माइनस वन पर माइनस नाइन, माइनस वन पर माइनस नाइन बहुत नीचे जाके यहाँ कहीं बना देते हैं, वन पर वन एक्स की वैल्यू वन तो वाई की वैल्यू वन यानी कि यहाँ जाके बना देते हैं तो ये ऐसे करके ऐसे चलेगा। हाँ अभी एक और दिखाते हैं, टू पर जीरो एक्स की वैल्यू टू गई तो वाई की वैल्यू जीरो गई यानी कि ये ऐसे करके गया और ऐसे आएगा, समझ रहे हैं। और थ्री पर थ्री तो थ्री पर थ्री कैसे हुआ, यहीं से मुड़ गया यहीं से टच करके वन, ये हो गया था वन, ये हो गया था टू, ये हो गया थ्री, थ्री पर थ्री तो वन टू थ्री यहां ले लो, देख लीजिए एस टाइप है ना ग्राफ, वह ऐसे करके एस बन रहा है मगर एक्स एक्सिस को सिर्फ कितनी जगह कट कर रहा है, दो जगह, कितने जीरोस हुए दो। आप तो इसको बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साहब, तो बेटा दो जीरोस इसके रियल एंड इक्वल हो गए ना। देखो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है ना ये, इसको जीरो के इक्वल करोगे तो दोनों एक्स की वैल्यू प्लस टू आएंगी तो दो जीरोस तो यहीं पर हो गए इसके और एक जीरो जीरो पर हो गया तो जीरोस तीन ही है, दो जीरोस इसके रियल एंड इक्वल है और एक जीरो ये वाला अलग है। तो ये था दूसरा टाइप, एक भी हो सकता है एक, सिर्फ एक सिंगल। तीसरा टाइप देखिए, सब तीसरा टाइप भी देख लीजिए कि आपने सोचा था इतना डिटेल में भी हो सकता है ये। देखो तीसरा टाइप बिल्कुल सिंपल ले ले रहा हूं, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, सही है ओके। चलिए बनाइए ग्राफ, वैसे इसका मैं ऐसे ही बना देता हूं, ये कुछ इस टाइप का बनता है, ये सिर्फ जीरो पे ही तो जीरो बनेगा, एक्स और वाई जीरो पर जीरो, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस टू का क्यूब माइनस एट, इस तरीके से प्लस वन का क्यूब प्लस वन, प्लस टू का क्यूब एट, तो इसी तरीके से ये चलेगा ऐसे करके और ऐसे करके। तो शेप कैसा है इसका, एस शेप है कि नहीं है, बट जीरोस तो एक ही। अब आप जीरोस देखो एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है तो उसको क्या भैया लीनियर बोलोगे क्या, बोल मत देना गलती से भी, हमसे जो बच्चा पढ़ा है वो तो नहीं बोलेगा। ये हो गई आपकी ग्राफ की पीएचडी, हर टाइप के तीन ग्राफ हो सकते हैं, तो आपको मेन चीज जो है वो ग्राफ का शेप याद रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक जीरो है तो वो लीनियर हो गया, क्यूबिक का भी एक जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं है तो वो लीनियर बोल दोगे इसको, शेप याद रखना। लीनियर इक्वेशन की हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा पैराबोला बनेगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमेशा क्या बनेगा, एक एस टाइप शेप बनेगा। हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके सारे जीरोज इक्वल है, जीरो 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 मतलब तीनों जीरोस जो है वो जीरो के इक्वल है, समझ के बात को। अगर ये कुछ ऐसा शेप भी तो आ सकता था x माइनस टू का होल क्यूब, तो ये प्लस टू पे जीरो बनना है वन टू, तो ये इस तरीके से यहां से मुड़ जाता, ये ऐसे जाता क्योंकि एक ही वैल्यू टू है जो इसको जीरो बनाएगी और तो जीरो कुछ बनाएगा नहीं। तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है बट इसका जीरो एक ही है। तो कहोगे सर सारे जीरोस इसके इक्वल हो गए, आपको ये बोलना पड़ेगा, यानी कि जब आप x माइनस टू के होल क्यूब को तीन बार रखोगे ना, क्यूबिक है ना, तीन फैक्टर बनेंगे सेम सेम, तो यहां से x बराबर टू आएगा, यहां से भी टू आएगा, यहां से भी टू आएगा, तो तीनों जीरोस कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं। बात समझ में आ रही है। तो यही सब मुझे आपको पढ़ाना था, ये आपकी हो गया ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल बिल्कुल क्लियर, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।